बिहार विधान परिषद के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नामांकन दाखिल कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में निर्विरोध सदस्यता कायम रखने वाले राज्य के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने अपनी पार्टी की गया लोकसभा सीट पर मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। संतोष सुमन भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं, जिन्होंने पिछली महागठबंधन सरकार में इस्तीफा दिया था और नई एनडीए सरकार गठन के दिन वापस सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्री बने थे। संतोष सुमन ने गया सीट पर दावे की जो वजह बताई है वो जानने से पहले ये जानना है कि इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के घटक के रूप में किस्मत आजमाई थी, लेकिन करीब जेडीयू प्रत्याशी विजय कुमार के मुकाबले 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से वो पीछे रह गए थे। गया की सीट का विश्लेषण इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि गया की सीट पर अब जीतन राम मांझी के बेटे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। गया शहर के गोदावरी मोहल्ले में स्थित आवास पर गुरुवार को SC/ST मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन की 14 या 15 मार्च को सीटों के बंटवारे की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गया जिला हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कार्यक्षेत्र है, पार्टी की शुरुआत यहीं से हुई थी, कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया लोकसभा सीट हमारी पार्टी को मिले। वहीं उन्होंने दावा ठोक दिया है कि पूर्व से ही गया लोकसभा सीट पर तैयारी चल रही है और आज भी जारी है। यही वजह है कि हम लोग चाहते हैं कि हम पार्टी के नेता या कार्यकर्ता गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। वहीं मंत्री संतोष कुमार सुमन ने यह भी कहा कि सीए कानून देश में लागू होने से आजादी के बाद दूसरे देशों में दंश झेल रहे गरीब असहाय और लाचार लोगों के लिए इज्जत से उनकी जिंदगी वो जी पाएंगे। ये कानून लोगों को जोड़ने वाला कानून है। कुछ लोग देश में सीए कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस के द्वारा महिला न्याय गारंटी की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को महिलाओं का सम्मान करना होता तो केंद्र में अपनी सरकार में महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लागू करते दिखाई पड़े। देश में कांग्रेस की जमीन खिसक गई है, इसलिए ऐसी घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्वकर्ता विहीन हो गया है। देश में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है। बिहार में कांग्रेस एक याचक की तरह RJD से सीट मांग रही है, लेकिन लालू यादव देने को तैयार नहीं। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने गया लोकसभा सीट के लिए दावेदारी कर दी है और एनडीए गठबंधन में आने के बाद ये चर्चा थी कि जीतन राम मांझी को गया लोकसभा सीट से लड़ाया जा सकता है या राज्यसभा भेजा जा सकता है। अब राज्यसभा का ऑप्शन तो बंद हो गया, इस वजह से गया लोकसभा सीट पर उनकी दावेदारी मजबूत बनती दिखाई पड़ रही है। वैसे भी जीतन राम मांझी गया लोकसभा से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मांझी दूसरे नंबर पर रहे थे, तब उन्हें 3,14,581 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में 2014 में भी जीतन राम मांझी चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे, तब उन्हें 1,18,018 वोट मिले थे। आपको यह भी बता दें कि गया लोकसभा सीट पर दावा जेडीयू का है क्योंकि ये सीट जेडीयू की सिटिंग सीट है, इसलिए पहली दावेदारी जेडीयू की बनती है। 2019 लोकसभा चुनाव में गया लोकसभा सीट पर बीजेपी का दावा बनता था, लेकिन समझौते के तहत गया लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में चली गई। इस लोकसभा सीट से जेडीयू के विजय कुमार मांझी ने दमखम ठोका है। इस चुनावी संग्राम में विजय मांझी ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को परास्त किया था। तब विजय मांझी को 4,67,000 से ज्यादा वोट मिले थे। जीतन राम मांझी 3,14,581 वोट के साथ हार गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट के परिणाम को आधार माना जाए तो यह सीट जेडीयू के खाते में जानी चाहिए कायदे से, लेकिन अब इस पर दावा ठोक रहे हैं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि जेडीयू को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं, ऐसे में गया लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गया लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में रहा था। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हरि मांझी ने RJD के रामजी मांझी को हराया था। तब हरि मांझी को 2,46,000 से ज्यादा वोट मिले थे और रामजी मांझी को 1,83,000 के आसपास के वोट थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के हरि मांझी ने रामजी मांझी को हराया था और तब हरि मांझी को 3,26,230 वोट मिले थे और रामजी मांझी को 2,10,726 वोट मिले थे। अब गया की सीट इसलिए भी चर्चा का विषय बन रही है क्योंकि संतोष मांझी जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि गया सीट पर उनकी मजबूत पकड़ है, उनके पिता हमेशा से उस पर लड़ते रहे हैं, इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को वो सीट मिलनी चाहिए। हालांकि जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया कि कायदे से चूंकि वहां पर सिटिंग MP जो है वो JDU का है, तो इसलिए कायदे से वो JDU के हिस्से में सीट जानी चाहिए। जिस तरीके की चर्चा चल रही है कि 10 से 12 सीट NDA जो है JDU को देगी, अब देखना ये है कि जीतन राम मांझी के पाले में ये सीट जाती है या फिर नीतीश कुमार की दावेदारी यहां मजबूत होती है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।